ABC Limited acquired a beverage company PQR Limited from XYZ Limited. जो ABC Limited है वो XYZ से उसकी एक एक सब्सिडरी PQR Limited को एक्वायर करना चाहता है। PQR के एक्विजिशन के टाइम पे PQR पे लोगों ने कोर्ट में केस कर रखा था कि आपने अपने प्रोडक्ट में एक मतलब एक्सेस पेस्टिसाइड डाल रखा है जिसके कारण हेल्थ डैमेज का कॉज हुआ था, और PQR को 2 करोड़ के डैमेजेस के लिए सू किया जा रहा था। XYZ ने बोला कि कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं ABC, आप PQR को एक्वायर कर लो, अगर जो भी लॉस आएगा वो मैं आपको पे कर दूंगा अगर आपको ऐसा कोई लाइबिलिटी देना पड़ा तो। तो ABC लिमिटेड कहता है कि आप हमें कितने की लाइबिलिटी की गारंटी देते हो कि आप पे करोगे। ये कहेगा कि अगर 1 करोड़ तक की लाइबिलिटी आती है तो उससे मैं पे कर दूंगा। अगर अभी देखा जाए तो ये केट पता ये अगर पता नहीं ये केस कब सेटल होगा, लेकिन अभी ये जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है कि हम कैसे हार सकते हैं, इसकी जो फेयर वैल्यू है अभी वो 70 लाख रुपए है। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी की जो फेयर वैल्यू अभी 70 लाख रुपए है। तो हाउ शुड ABC लिमिटेड अकाउंट फॉर द कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड द इंडेमनिफिकेशन एसेट। तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी इंडेमनिफिकेशन एसेट को जो ABC लिमिटेड है किस तरीके से अकाउंट फॉर करेगा एक्विजिशन करते समय। तो एक्विजिशन तो जो फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी जो भी है इसकी और गारंटेड अमाउंट ऑफ द एसेट, इन दोनों में से ये लोअर जो है वो लेगा। जैसे फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी कितनी हुई 70 लाख कोई ना, तो ये जो इंडेमनिफाइड एसेट है उसको भी फेयर वैल्यू जो टेकन ओवर है वहीं तक ले सकते हैं, 70 लाख तक ही इसको दिखाया गया। ये 70 लाख ले रहा है तो ये भी 70 लाख ही दिखाएगा। लेकिन अगर ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हो जाती है तो हमें गारंटी सिर्फ 1 करोड़ तक की मिली है ना, तो गारंटी इंडेमनिफिकेशन एसेट सिर्फ 1 करोड़ तक की ही दिखाएंगे हम, ज़्यादा की नहीं दिखाएंगे। यानी जो फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो तो उसकी फेयर वैल्यू जितनी भी उसने टेकन अगर मतलब जो भी है कंटिजेंट लाइबिलिटी वो उसकी फेयर वैल्यू पर दिखाएंगे, और जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है उसकी गारंटेड अमाउंट पे ही दिखाएंगे। गारंटेड अमाउंट से एक्सेस नहीं दिखा सकते हम।